ये देखिए सपा नेताओं की गुंडागर्दी। जज ने मनमाफिक फैसला नहीं दिया तो जज के सामने गुंडागर्दी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवाई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने गाली देते हुए विवादित बयान दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले से पहले वह अंत तक कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और सही फैसला लिया। भगवान ने उनकी मदद की। इस पर रामगोपाल यादव ने कहा कि तमाम चूतिए इस तरह की बात करते रहते हैं। अभी ये मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहां जिला अदालत में बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान वकीलों और जज के बीच झड़प हो गई। कोर्ट रूम में बड़ी संख्या में मौजूद वकीलों ने जज से बदसलूकी करनी शुरू की। इसके बाद जज ने पुलिस बुला ली। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले तो पुलिस ने वकीलों को समझाने का प्रयास किया, मगर जब वो शांत नहीं हुए तो पुलिस ने कोर्ट रूम में भी वकीलों पर लाठी चला दी। जवाब में वकील भी कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। इस पूरे मामले में कुछ वकीलों के घायल होने की भी खबर है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। इस भिड़ंत का वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में वकील यह तय करेंगे कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि जज के तबादले और लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकील हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों का हंगामा लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट कैंपस को खाली करा दिया है। वकीलों द्वारा बवाल की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की एक टीम भी गाजियाबाद जिला अदालत परिसर में पहुंच गई है। इसके अलावा पीएसी के जवानों को भी बुलाया गया है। जल्द ही वो भी कोर्ट परिसर पहुंच जाएंगे। वैसे यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब वकीलों ने जज के साथ कोर्टरूम में अभद्रता की हो। इससे पहले भी देश के कई शहरों में इस तरह की खबर सामने आ चुकी है जब वकील ने अपनी मर्यादा को भंग करते हुए जज से भिड़ गए हों। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के ही सांसद रामगोपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुर्दों को जिंदा करते हो तो वह भूत बन जाते हैं। कहां है वो? अभी मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहा है। अरे छोड़ो यार, वह तो जो अमर्यादित शब्द वो तमाम इस तरह की बात करते रहते हैं, क्या मैं उनका नोटिस लूंगा? रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि शाम होते होते रामगोपाल यादव ने अपने इस बयान पर सफाई भी पेश कर दी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनको रामगोपाल यादव के बयान की कोई जानकारी नहीं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद रामगोपाल यादव ने सफाई पेश की है और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया था, गलत तरीके से यह खबर चलाई जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस को कई राज्यों में पार्टी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह उर्फ राहुल भैया ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। अजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में जगह दी गई। अजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रहे। अर्जुन सिंह के बेटे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खराब हालत के लिए जिम्मेदार नेता ही आज भी पार्टी में प्रभावशाली है। ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि 20 साल से कुछ ही लोग सारे फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे अजय सिंह ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाया आज भी वही लोग फैसले ले रहे हैं, तो फिर पार्टी को भगवान ही बचा सकता है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस समिति की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी की नई सूची को मंजूरी दी, प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है। कांग्रेस के आपसी टकराव के सामने आते ही भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी तंज कसा और इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोटे से कर्मचारियों से 15 से 20 मिनट बाहर रुकवा देते हैं। कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ता है कि हमारे राजकुमार और हमारी देवी जी मुझे बुला लें। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करोगे कि वहां जमीन के नेता को इज्जत मिलेगी? लोकसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इस बार भी खराब रहे थे। बीजेपी ने यहां सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में कांग्रेस ने एक सीट छिंदवाड़ा जीती थी, लेकिन इस बार
बार वह सीट पर भी चुनाव हार गई। चुनाव नतीजों के बाद यह उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में नए नेताओं को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हैरानी जताई कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के भरोसेमंद लोगों को भी पीसीसी में शामिल किया गया। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में परिवारवाद की भी छाया साफ दिखाई दे रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार प्रेमव्रत सिंह को भी उपाध्यक्ष जैसा अहम पद मिला है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को कांग्रेसी बताया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए राहुल खड़गे की बोलती बंद कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ईवीएम में गड़बड़ी, बूथों पर वोट ना डालने देने जैसी शिकायतें शामिल थी। कांग्रेस ने इन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मतगणना के लगभग 20 दिन बाद 1600 पन्नों के विस्तृत जवाब में कांग्रेस के एक एक आरोप का खंडन करते हुए उन्हें आधारहीन बताया। आयोग ने साफ किया कि इस तरह के आरोपों से अराजकता फैलने का खतरा होता है। चुनाव आयोग ने बताया कि कांग्रेस द्वारा दर्ज की गई 26 शिकायतों में से अधिकतर निराधार पाई गई। आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की वोटिंग और काउंटिंग जैसे संवेदनशील समय में गैर जिम्मेदाराना आरोप लगने के प्रति चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से असंतोष और अशांति का माहौल बन सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस बात की नसीहत दी कि बार बार चुनावी नतीजों पर संदेह जताना सही नहीं। आयोग ने कहा कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस ऐसे ही आरोप लगाती रहती है, जिनमें से अधिकांश गलत साबित हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और इन पर आवश्यक संदेह जताना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से अपील की कि वे बार बार की जाने वाली बेबुनियाद शिकायतों पर नियंत्रण रखें। आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण श्रुतिहीन तरीके से संपन्न हुआ और इसे कांग्रेस उम्मीदवार तथा एजेंटों की देखरेख में ही संपन्न कराया गया था। चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के सत्यापन का भी जिक्र किया। 1600 पन्नों में विस्तृत जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई और सभी आरोपों को निराधार बताया। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में संदिग्ध नतीजों और विसंगतियों का आरोप लगाया था। याचिका खारिज करते हुए सीजेआई दिवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम शपथ रोकें, ऐसी मांग के लिए कोर्ट जुर्माना लगा सकती है। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले के बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपना लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्सपर पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इनोलो और निर्दलीय के खाते में 2 और 3 सीटें आईं। बीजेपी के पूर्व बहुमत मिला है। लडवा सीट से नायब सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख थी। नामांकन भरने के बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि नागपुर सहित पूरे विदर्भ में लगभग 92 प्रत्याशियों ने बगावत कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की नजर विदर्भ क्षेत्र पर है। इस इलाके में प्रदेश की कुल 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 सीटें आती हैं, यानी जो इस सीट पर नंबर गेम में आगे रहा उसे जीत हासिल करने के रास्ते में काफी मदद मिलती है। लेकिन इस इलाके में बागियों का जो आंकड़ा रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। नागपुर सहित विदर्भ में मात्र 12 विधानसभा क्षेत्रों में ही बगावत नहीं हुई है। इनमें प्रमुख नागपुर दक्षिण पश्चिम भी है, जहां से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छठी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर ना तो कांग्रेस में बगावत हुई है और ना ही भाजपा में,
नागपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बगावत नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विदर्भ में कुल 62 सीटें हैं। इन 62 सीटों पर लगभग 92 प्रत्याशियों ने बगावत कर दी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, शिवसेना दोनों, एनसीपी के उम्मीदवार शामिल हैं। इन 92 बागियों में सबसे ज्यादा बागी चंद्रपुर जिले के बरोरा निर्वाचन क्षेत्र में दिखाई दे रही है। यहां पर लगभग 7 से 8 बागियों ने प्रमुख दलों को चुनौती दी है। बगावत करने वाले उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। बागी क्षेत्रों में चंद्रपुर का वोटर नंबर 1 पर है तो अकेला पश्चिम दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर 5 या 6 उम्मीदवारों ने बागी होकर पर्चा भरा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में बागी थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग नाराज हैं उन्हें समझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1-2 जगह पर मित्रतापूर्ण लड़ाई होगी, उसे भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लेयर भी करेगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब सामने आ गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटें कुछ कम हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा 5 सीटें अन्य महायुति सहयोगियों को दी गई, जबकि 2 सेगमेंट पर कोई फैसला नहीं लिया गया। विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 103 सीटें आई हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT 89 सीटों पर लड़ रही है और शरद पवार की NCP 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। बाकी 6 सीटें महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों को दी गई है, जबकि 3 विधानसभा क्षेत्रों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव एवं वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनाव प्रचार छोड़कर अचानक दिवाली से 1 दिन पहले ही शिमला भाग गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में इस बार दिवाली सेलिब्रेट करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के शिमला आने का प्लान है। हालांकि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा ही शिमला पहुंची हैं। उनके शिमला पहुंचने पर घर के आसपास सुरक्षा में इजाफा किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीती देर रात करीब 2 बजे के आसपास प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला के छराबरा में अपने घर पहुंची। अब वह यहीं पर परिवार के साथ दिवाली मनाएंगी। बता दें कि शिमला से 12 किमी दूर प्रियंका गांधी वाड्रा का घर है, यहां पर वे अक्सर आती रहती हैं। बीते 2 सप्ताह पहले भी वे शिमला आई थी। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कुछ दिन के लिए यहां पर रुके थे। गौरतलब है कि केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी है। यहां से पहले राहुल गांधी सांसद रहे। इस बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा और जीता था और वायनाड सीट छोड़ दी थी। अब प्रियंका को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि शिमला में अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ सुकून के पल बिताने के लिए आती रहती हैं। भीड़भाड़ से दूर और जंगल में शांति के पल बिताने के लिए यह जगह बेहद स्पेशल है। माना जा रहा है कि दीवालों पर पटाखों के शोर से बचने के लिए प्रियंका ने परिवार सहित यहां का रुख किया। प्रियंका गांधी वाड्रा का शिमला के छरबरा में घर है। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में उन्होंने घर की मार्केट वैल्यू 5.64 करोड़ रूपये बताई थी। इस घर का निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था। वीरभद्र सरकार ने घर बनाने के लिए सेक्शन 118 में छूट भी दी थी। घर को लेकर शुरू में विवाद भी हुआ था और मामला हाईकोर्ट तक गया था। बता दें कि हिमाचल में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और इस साल लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी शिमला में स्थित छरबारा में अपने मकान में रुकी थी। उस दौरान उनका प्रचार व रैलियों के लिए यहीं से ही आना और जाना होता था। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को वायनाड से चुनाव प्रचार कर लौटी प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक हेलीकॉप्टर में आई। प्रियंका गांधी का काफिला मंगलवार रात 1:55 पर शिमला से छड़ाबरा के लिए रवाना हुआ। रात 2:15 प्रियंका छड़ाबरा में अपने घर पहुंची। प्रियंका गांधी के शिमला पहुंचते ही पुलिस ने क्षेत्र में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए। संभावित है कि दिल्ली की शुभकामनाएं देने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी छड़ाबरा जा सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस समय वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए जोरदार कैंपिंग कर रहे हैं। इस चुनाव में प्रियंका का मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के दिग्गज नेता सत्यन मोकरी और पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास से है, जो कि
कोझिकोड निगम में दो बार पार्षद रह चुके उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में भी उतरी हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद यह उपचुनाव जरूरी हो गया था। उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।